अरे अखिलेश, मेरा जितना भी खेत में गेहूं पैदा हुआ था मैंने मंडी में तुम्हारी आड़त पे ला के डाल दिया। तुम महंगे में महंगा बिकवा दो मेरे इस गेहूं को। इस बार गेहूं की फसल उगाने में बहुत खर्चा हो गया। अरे योगी जी, तुमने मंडी में सही आड़त पे गेहूं डाला है। अखिलेश की आड़त मशहूर है सबसे महंगा अनाज बेचने में। अभी मैं तुम्हारी बोली लगवाता हूँ। बोलो कितने रुपए से बोली स्टार्ट करूँ? इधर आओ अखिलेश, कान में बताता हूँ। बोली को कम से कम 1500 रुपए से स्टार्ट करो और ज्यादा में ज्यादा मेरा गेहूं 2000 तक बिक जाए और 2000 से ऊपर बिक जाए तो दिन न्यारे। चलो भाई लोगों तैयार हो, गेहूं की बोली स्टार्ट होती है 1500 रुपए। 1500? अखिलेश गेहूं की बोली ज्यादा महंगी स्टार्ट करवा रहे हो तुम। गेहूं इतना अच्छा नहीं है योगी जी का। चलो 1515 रुपए। मोदी जी की तरफ से 1515 रुपए क्विंटल। 1515 और कोई आगे? 1600 रुपए। 1600 रुपए प्रति क्विंटल। अरे अमित शाह जी, आपने तो कमाल कर दिया। 1515 रुपए से सीधे 1600 रुपए। अमित शाह जी की तरफ से 1600 रुपए। 1600 रुपए। 1700 रुपए। 1700 रुपए प्रति क्विंटल। अखिलेश 1700 रुपए प्रति क्विंटल में मेरे नाम लिख दो ये गेहूं की ढेरी। 1700 रुपए। 1700 रुपए उबैसी जी की तरफ से। तू डाल डाल में पात पात वाला हिसाब चल रहा है। अमित शाह जी ने 1600 की बोली लगाई तो उबैसी जी ने पूरे 100 रुपए बढ़ा के 1700 रुपए की बोली लगा दी। 1700 रुपए एक, 1700 रुपए दो। रुको रुको अखिलेश, इतनी आफत क्यों मचा रहे हो? 1900 रुपए। 1900 रुपए मेरी तरफ से प्रति क्विंटल गेहूं की बोली। लालू जी, तुम्हारी बोली के ऊपर मेरी बोली पूरे 2000। 2000 रुपए प्रति क्विंटल। क्या बात है, क्या बात है। लालू जी की बोली के ऊपर केजरीवाल की बोली भारी पड़ गई। लालू जी ने 1900 के दाम लगाए तो केजरीवाल ने पूरे 2000 के। राहुल तुम आज चुप कैसे खड़ी हो? तुम क्यों नहीं लगा रहे बोली? अरे भाई, मैं इस बोली से पीछे हाथ हटाता हूँ। इस बोली के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ रहे हैं। अरे राहुल, तुम बोली से अपने हाथ पीछे खींच लो, लेकिन मैं तो बोली लगाऊंगा 2100 रुपए प्रति क्विंटल। राहुल ने बोली से पीछे खींचे हाथ। राजनाथ सिंह जी की तरफ से बोली 2100 रुपए प्रति क्विंटल। और कोई आगे? 3000 रुपए प्रति क्विंटल मैं लेता हूँ ये गेहूं की ढेरी। 3500 रुपए प्रति क्विंटल। 5000 रुपए प्रति क्विंटल। 6000 रुपए प्रति क्विंटल। 8000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग छिड़ चुकी है मोदी जी और अमित शाह जी के बीच। देखते हैं ऊंची में ऊंची बोली कौन लगाता है। फिलहाल मोदी जी की तरफ से 8000 रुपए प्रति क्विंटल। 10000 रुपए प्रति क्विंटल। 20000 रुपए। 25000 रुपए प्रति क्विंटल। 50000 रुपए प्रति क्विंटल। मोदी जी की तरफ से सबसे बड़ी बोली 50000 रुपए प्रति क्विंटल। 50000 रुपए एक, 50000 रुपए दो, 50000 रुपए तीन। योगी जी मजा आ गया आपकी गेहूं 50000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी जी ने खरीद ली। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे बाप रे बाप, मोदी जी मेरे ऑटो रिक्शा को नीचे रख दो, नीचे रख दो। तुमने तो मेरे ऑटो रिक्शा को आगे से उठा लिया। अरे हम गिर जाएंगे, योगी जी बैठे हुए हैं पीछे। अरे पहिए को नीचे रख दो, ऑटो रिक्शा को नीचे रख दो। अरे राहुल, ये मोदी जी क्यों इतना भड़क रहे हैं? क्यों इन्होंने आगे से ऑटो रिक्शा को उठा लिया? अरे मैं गिर जाऊंगा। कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई बात होगी, नहीं तो ये बेवजह में इतने नहीं भड़कते। योगी जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस राहुल ने अभी मुझे अपने ऑटो रिक्शा में बैठाने से मना कर दिया। बोला मैं अभी ऑटो रिक्शा को चला ही नहीं। अब थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ये तुम्हें बैठा के ले जा रहा है। मेरा खून खौल गया। अब मैंने आगे से ऑटो रिक्शा उठा लिया। अब तुम ही इससे पूछो, इसने मुझे क्यों नहीं बैठाया और तुम्हें क्यों ले जा रहा है? क्यों भाई राहुल, ये मोदी जी क्या कह रहे हैं? तुमने अभी ऑटो रिक्शा में इन्हें क्यों नहीं बैठाला और मुझे क्यों बैठा लिया? ये बात तो गलत है, तभी तो ये भड़क गए। अरे मोदी जी, ऑटो रिक्शा को नीचे रख दो। मैं अभी पूछता हूँ राहुल से क्या बात है, क्यों नहीं बैठाया इसने आपको। नहीं होगी जी, मैं अभी नहीं रखूंगा ऑटो रिक्शा को। पहले मेरे सामने इससे पूछो, इसने मुझे क्यों नहीं बैठाया और तुम्हें क्यों बैठा लिया। मैं जब तक वजह का पता नहीं लगा लूंगा तब तक ऑटो रिक्शा को नीचे नहीं रखूंगा, नहीं तो मैं पलट दूंगा इसे ऑटो रिक्शा को। अरे बताता हूँ मोदी जी, बताता हूँ मैंने आपको क्यों नहीं बैठाला और योगी जी को क्यों बैठा लिया। दरअसल मोदी जी, आपका वजन बहुत ज्यादा था, मेरे टायर कमजोर है, मैं हल्की सवारी लेकर चल रहा हूँ आजकल अपने ऑटो रिक्शा पर। अब योगी जी का वजन कम है, मैंने इसीलिए इनको बैठा लिया, आपको नहीं बैठाला। मैं अगर कोई भारी सवारी बैठा लेता हूँ तुरंत पंचर हो जाता है मेरा टायर। राहुल मैं तुम्हारी ये बेसुरी बातों में नहीं आऊंगा, अभी मैं टायर को ही खोल के ले जाता हूँ तुम्हारे। कैसे चलाओगे तुम बिना टायर के, देखता हूँ मैं भी। अरे नहीं मोदी जी, टायर खोल के मत ले जाओ, मत ले जाओ टायर खोल के। चलो तुम बैठ जाओ, मेरा टायर पंचर हो या कुछ भी हो तुम बैठ जाओ ऑटो रिक्शा में, मैं तुम्हें बैठा लेता हूँ। आ जाओ आ जाओ। अब हुई ना बात, अब मैं बैठता हूँ, नीचे रख देता हूँ तुम्हारा ऑटो रिक्शा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है जब तक उंगली टेढ़ी ना करो। अब आए ना आए काबू में तुम। लेकिन राहुल तुम्हारा ऑटो रिक्शा भारी बहुत है, हाथ दर्द कर गए बिल्कुल। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।